ओके हेलो व्यूअर, दिस इज़ दानिश वसीम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दानिश एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। और ये एक ऑनलाइन एकेडमी है जिसमें मैथमेटिक्स सिखाया जाता है वो लेवल का और तकरीबन तमाम किताबों का, ठीक है। तो इससे पहला चैनल मेरा हैक हो गया था, तो अब जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया और जिन लोगों को नहीं पता वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें इसको, ठीक है। तो 2C कर रहा हूँ मैं अभी, हम D1 की 2C पे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ से कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वैल्यू ही निकालनी है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे सीखेंगे। तो मैं थोड़ा सा बोर्ड टिल्ट कर लूँ ताकि मुझे आसान बहुत आ रही है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब बिल्कुल ठीक है मेरे लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है -55 प्लस ब्रैकेट -10 और -10। अब यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। ठहर से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा हाथ आ गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, मेरे पास जगह कम है तो मैं इतना स्टेप नहीं कर रहा, आप एक बार क्वेश्चन रीराइट कर लिया करें। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, -55। अब जब अनलाइक साइन हो ब्रैकेट के बाहर अंदर भी और बाहर भी, तो हमेशा नेगेटिव आता है, मतलब प्लस माइनस हमेशा नेगेटिव होता है, 10 -10। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से पहले ये दो करेंगे और फिर नेक्स्ट। तो इसका मैं बॉक्स लगा देता हूँ आपके लिए आसानी हो, ताकि आपको फिर समझ आ जाएगी। तो आप बॉक्स के बगैर भी, अब दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों लाइक हैं तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। 55 और 10 हो गए हमारे पास -65। अब -65 और -10 भी एक जैसे हैं क्योंकि इनके साइन एक जैसे हैं, मतलब ये एक जैसा ब्लड है, तो एक ही ग्रुप के ब्लड हैं तो एक ही लग सकते हैं, ठीक है, इकट्ठे हो सकते हैं ये। अब 65 और 10 हमारे पास 75 आ गया, तो ग्रुप तो लिखना पड़ेगा ना साथ, तो ये -75 आपके पास आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो एंड पे आंसर ज़रूर मेंशन किया करें। मैथमेटिक्स में स्टार्ट में सॉल्यूशन लिखेंगे और एंड पे आंसर लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया इसका ये पार्ट। होप आपको इसका आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी और आप फिर खुद भी कर सकते हैं। अब आ गया हमारे पास बी पार्ट। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। बी पार्ट आ गया हमारे पास। बी पार्ट क्या है, -12, ठीक है, और माइनस बॉक्स ब्रैकेट, इसको बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं, -8 और -2 इन द ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट क्लोज और देन +3। अब मैथमेटिक्स में सबसे पहले ब्रैकेट्स को ही सॉल्व किया जाता है। अगर आपने बोर्ड मैथ्स रूल पढ़ा हो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाएंगी, बाकी सब अपनी जगह पे वैसे का वैसा रहेगा। ये गलती कभी ना करें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इनकी जगह चेंज कर देते हैं, इनकी जगह नहीं चेंज करें, इनके साइन इनके आगे ही रहेंगे। ब्रैकेट, अब बॉक्स ब्रैकेट आएगी, ठीक है, ये भी आएगी और +3, ऐसे कैसे, अभी अंदर ब्रैकेट्स हैं वो सॉल्व होंगी, इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो इट मीन्स प्लस है। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे, प्लस माइनस, -8 माइनस और अंदर भी आई बिलीव माइनस था, हाँ जी अंदर भी माइनस था। तो लाइक साइन मल्टीप्लाई हो तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। एक चीज़ देखे, मैंने इसको सॉल्व किया पहले, बाकी सब वैसे के वैसे, अभी ये दो सॉल्व होंगे और फिर ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। ये आ गया -12 माइनस, ब्रैकेट लगाऊंगा मैं, +3। 8 -2 करेंगे तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करें तो 6 आएगा और बड़े का साइन लगा दें, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, -12 माइनस माइनस +6 +3। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। ब्रैकेट जब ख़त्म हो जाए तो सिर्फ प्लस माइनस हो या मल्टीप्लाई डिवाइड हो, मैंने उस दिन भी बताया था कि DMAS ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, जब एक ही ग्रुप हो तो हमेशा लेफ़्ट टू राइट सॉल्व किया जाता है। नज़र नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये देखें, ठीक है। तो इसको मैं रेस कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड मुझे लगता है अब छोटा हमारा हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इनको सॉल्व करना है। अब 12 बड़े में से छोटा निकालेंगे क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो 6 में से तो 12 माइनस नहीं कर सकते, 12 में से 6 निकाला 6 और बड़े का आंसर लगेगा और +3। अब फिर वही रूल, बड़े में से छोटा निकालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 6 में से 3 निकाले 3। अब आपको लगेगा मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि तो प्लस है, लेकिन 3 में से 6 नहीं निकाल सकते, तो रूल ये कहता है कि आप बड़े में से छोटे को निकाल लें और बड़े का साइन लगा दें, तो -3 आंसर आ जाएगा हमारे पास। सो ये वे था, इसको इस तरह सॉल्व किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, बी हो गया। अब सी ले लेते हैं, सी हमारा क्या है, वो भी बड़ा ही है, -100 प्लस ब्रैकेट केट ब्रैकेट 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 क्या है, -45 प्लस ब्रैकेट
माइनस फाइव एंड प्लस 20। अब ये सारी ब्रैकेट्स पहले खुलेंगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखें यहाँ पे और शुरू हो जाएं। माइनस 100 वैसे का वैसा, प्लस माइनस माइनस 45, प्लस माइनस माइनस 5, प्लस 20। अब लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करें, ठीक है। आप इकट्ठा भी कर सकते हैं लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करें, बाकी सब वैसे का वैसा। 145 माइनस 145, अब 5 और ऐड हो गए इसमें क्योंकि अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 140। एक ब्लड है देखिए, माइनस माइनस, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। माइनस 150 और प्लस 25, अब डिफरेंस है। अब क्या करेंगे हम, बड़े में से छोटा निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस 25 में से तो माइनस नहीं ना कर सकते 150। अब हम क्या करेंगे, 150 में से 25 निकालेंगे तो ये आएगा 125, और हम बड़े का साइन इसके साथ लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये रेज कर दिया मैंने इसको, ऊपर से मैं अब रेज कर रहा हूँ टाइट। थोड़ा सा हाँ ये भी बेटर है। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन पार्ट डी, ठीक है। डी करेंगे तो डी हमारा है, ये तो आसान है, माइनस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 15। अब यहाँ पे नोट कर लें, डी एम ए एस, अगर तो डिवाइड और मल्टीप्लाई हो या सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो क्वेश्चन में तो आप लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, लेकिन जब एक इधर से आ जाए, मतलब एक मल्टीप्लाई का आ जाए और एक इधर से आ जाए, तो फिर ये रूल नहीं शुरू होता, फिर इसका ऑर्डर, मतलब पहले जो 1 2 3 4, अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे पहले, ठीक है, या ऐड नहीं करेंगे पहले, क्योंकि मल्टीप्लाई उससे पहले है। तो ये चीज़ आपने लिख लेनी है अपने पास, याद कर लें, ठीक है। अब देखें हम इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फेसबुक पे बहुत इस तरह के क्वेश्चन घूमते फिरते हैं, ठीक है ना। तो माइनस 2, अब इसका बॉक्स लग जाएगा, ये आ गया 53 3 45, ठीक हो गया। अब हम इसको कर सकते हैं ऐड, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, तो बड़े में से छोटा निकालेंगे, तो 43 और बड़े का साइन, दैट इज़ आर आंसर। उसने थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए, क्वेश्चन आसान ही था लेकिन कन्फ्यूज़ करने के लिए उसने ये ऐसा किया। अब इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे पास आ गया ई पार्ट, इसका सारे पार्ट कर रहा हूँ मैं ताकि एक से समझ नहीं आए तो दूसरे से समझ लें, दूसरे से ही समझ नहीं आए तो तीसरे में, ठीक है। तो क्वेश्चन सारे देखें तो आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, ये आपका 2C के पिछले क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो अगर आपने देखा है तो वो उस तरह करें, ये सेम वही है। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, माइनस 2 और माइनस 5 माइनस 7 इकट्ठे हो गए, अब माइनस 3। अब पहले नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 21, फिर लाइक साइन हो तो मैंने आपको बताया था हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है, ये मेरा 2C का पहला क्वेश्चन मैंने जब करवाया था उसमें ये सारा एक्सप्लेन मैंने किया था। तो ये ई भी हो गया, अब इसको रेस कर देते हैं, क्या प्यार से रेस करता हूँ इसको, नीट करके अपने नोट्स बना लें तो आंखें बंद करके जितना मर्ज़ी पढ़ाएं जाके, अगर आप टीचर हैं तो पढ़ाएं, स्टूडेंट हैं तो अपने साथ छोटे और बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। अभी मेरे पास आ गया बॉक्स ब्रैकेट, ठीक है, इसमें आ गया माइनस 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 देन डिवाइडेड बाय माइनस 12 प्लस 32, हाँ अगर आपको नज़र आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट इससे सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसको भी साथ सम अप कर लें तो कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 25 माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 इंटू 4 100 आ गया, डिवाइडेड बाय, इसको भी साथ ही सॉल्व कर लें, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 12 में से 32 निकाले, 12 में से हमने 32 में से 10 निकाले तो आ गया हमारे पास 22, 22 में से 2 और निकाल ले तो ये हमारे पास आ गया 20, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दें, आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 100 को आप इस तरह भी लिख के डिवाइड कर सकते हैं, मैं आपको जीरोस काट जाते हैं, एंड वाले जीरोस, एक इसका काट सकता है और एक उसका काट सकता है, तो वो काट गया हमारे पास। तो आप 10 को 2 से डिवाइड करें, 5 आंसर आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे इसलिए ये पॉजिटिव आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसको रेज करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जी पार्ट, जी पार्ट में एक्सपोनेंट्स आ गए हैं तो वो भी देख लेते हैं ताकि आपका हर चीज़ क्लियर हो। माइनस 3 इंटू की पावर 2
माइनस सेवन माइनस टू की पावर टू, कोई मुश्किल काम ही नहीं है। थ्री, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर नंबर बेस नेगेटिव हो और पावर इवन हो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास नाइन माइनस, यहाँ पे आ गया, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं ना अभी, तो दोनों ब्रैकेट सॉल्व कर ली एक जैसी थी, मैंने दोनों सॉल्व कर ली। सेवन में से निकाले टू, हमारे पास आ गया फाइव की पावर टू। अभी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम पहले, ठीक है। थ्री माइनस नाइन इंटू फाइव की पावर 125। अब हमारे पास दो मुख्तलिफ फैमिलीज हैं, डी एम ए एस है ना, एक फैमिली ये है एक फैमिली ये है। जब दो मुख्तलिफ फैमिली के मेहमान हों तो जो पहली फैमिली थी उसको पहले हम सर्व करेंगे। तो थ्री नाइन ज़ार 27 माइनस 25, ठीक है। ये मल्टीप्लाई, ये जिनके दरमियान में साइन होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब 27 में से हम अगर 25 निकाल दें तो हमारे पास आएगा 2 आई बिलीव, और बड़े का साइन लगेगा। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, जी बिल्कुल यही आंसर है। ओहो, एक हाथ से मैंने माइक पकड़ा हुआ, इस वजह से मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ रखूँ मैं, चले दफ़ा करें। अब आगे बात करते हैं एच पार्ट की, और मेरा ख्याल है ये इतने पार्ट अगर आपको समझ आ जाते हैं और एक बार आप खुद से कर लेते हैं तो आपके दिमाग में ये सारा डिवेल्प होगा, ठीक है। देख देख के रट्टे मारने से नहीं मैथ्स आता, ये समझने से, नंबर सेंस बिल्ड करें अपने अंदर कि हम कैसे नंबर्स के साथ कहाँ कहाँ क्या क्या खेल सकते हैं, ये फिर आपको आ जाता है, ठीक है। अभी कहाँ है, यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट है, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट है, और फिर ये आ गया हमारे पास, इधर क्या ड्रामे कर रही है, 10 और फिर ये बॉक्स ब्रैकेट आ गए मेरे पास, ठीक है। अब पहले तो हमें अंदर से रफड़ हाल करने पड़ेंगे, ठीक है। अंदर भी कोई इशू नहीं है, अंदर भी अगर मल्टीप्लाई और नेगेटिव है तो पहले जो डोमेस के अकॉर्डिंग जो फैमिली पहले सर्व होगी वो पहले होगी। 3 2 6 माइनस 6 माइनस 10, ठीक है। अभी ये ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुई तो हम ब्रैकेट को ही पहले देखेंगे। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस 16। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 फाइव टाइम आई बिलीव 80 होता है, तो माइनस आएगा मुझे फिर भी, हाँ जी बिल्कुल यही आंसर है। तो कोई इशू ही नहीं था इसमें भी, ठीक है। साथ साथ कमेंट्री मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब आ गया आई पार्ट, सारे पार्ट इसीलिए कर रहा हूँ कि ये ना हो कि मैं एक पार्ट कर दूँ बाकी देख लें आपके सामने सारे डिफरेंट ही हैं, ठीक है। अभी मेरा डॉगी भौंक रहा है तो उसकी आपको आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इधर रखो लीजू, इसको मना, ये लाडो इसको मना करो, लीजू को ना बोले, जा लीजू को मना कर क्या, हाँ ये इधर रखते, ये लाडो मेरी लेके आई मेरी, ठीक है। उसको लीजू को मना करो बोले ना, हाँ ऐसे माइनस, देखे इतने ओबीडियंट होना चाहिए आपके पास जो जानवर है। वो छोटी सी बच्ची ने उसको मना किया और वो मना हो गई, मैं भी इधर से कर सकता था, ले फिर शुरू हो गई। लाडो मना करो इसे, अच्छा जी क्वेश्चन हमने लिख लिया तो सॉल्व करते हैं। माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 के बाद 4 होता ये यहाँ, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड होगा ना, ये अब 4 और 2 6 हो गया। अब 12 को 6 से डिवाइड कर दें, 6 आएगा। अगर दोनों अनलाइक साइन हो मतलब ये प्लस था ये माइनस, तो हमेशा माइनस आएगा साथ, ठीक है, बल्कि 2 आएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया, इसकी फ्लैश पड़ रही है तो थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसका एक्सपोजर लॉक करने की कोशिश करता हूँ, वाइट बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है रूट वाला, कोई इशू ही नहीं है। ये आ गया हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 10 माइनस 3 इंटू माइनस 2। नो मैटर जो भी क्वेश्चन है रूट में है फिर भी डोमेस ही फॉलो होगा, पहले मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आ गया 3 2 6, और ये भी माइनस है वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, ठीक है। अब आ गया 16, 16 का स्क्वायर रूट आपने पहले भी लिया था, 16 होता है 4 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट जाते हैं, तो आपके पास 4 आंसर आएगा।
तो ये भी क्वेश्चन हो गया, इसको भी रेज कर देते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, ये क्वेश्चन यहाँ पे अख्ताम पजीर हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन जो दिए हैं उन्होंने बोला है इसको कैलकुलेटर से करें, तो आप मैं आपको सजेस्ट करूँगा कैलकुलेटर से क्यों करने हैं आपने, आप सीधा इसको ऐसे ही कर लें, ठीक है। क्वेश्चन 9 भी ऐसे ही है, उसको भी ट्राई करें, ठीक है। तो मैं उसकी वीडियो थोड़ी देर बाद डालूंगा, आपने अगर वीडियो देखी तो आप कमेंट करें कि आप कर सकते हैं वो के नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दिस इज़ दानिश हुसैन साइनिंग ऑफ।